हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू टुडे आई विल टीच यू जनरल साइंस सब्जेक्ट फॉर क्लास थर्ड लेसन फर्स्ट एनिमल्स फूड एंड फीडिंग हैबिट्स तो स्टूडेंट हमने फर्स्ट देखा है कि फर्स्ट चैप्टर के बारे में पहले हमने पढ़ा है देखा है तो हमारे टोटल जो लेसन्स है वो फोर्टीन लेसन्स है तो जो हब एयरली की जो लेसन्स है हमने सेवन चैप्टर सीखे हैं। तो आज से हम फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन करेंगे तो फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट फूड ऑफ़ एनिमल्स हर्ब्योरस कार्निओरस एंड ओमनिरोस एनिमल्स द फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स एंड द केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स तो इस लेसन में हम जानने वाले हैं कि एनिमल्स का फूड कौन सा है हर्ब्योरस एनिमल्स कौन से है कार्नियोरस एनिमल्स कौन से हैं और ओमनियोरस एनिमल्स कौन से हैं? नेक्स्ट है द फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स जो एनिमल्स की खाने की जो आदत है वो कैसी है ये हम जानने वाले हैं एंड नेक्स्ट और लास्ट द केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स तो जो डोमेस्टिक एनिमल्स है उसका टेक केयर हमें कैसे करना चाहिए इसके बारे में हम क्वेश्चन विथ आंसर के साथ जानेंगे सो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ये जो चैप्टर है ये जो लेसन है हम क्वेश्चन विथ आंसर के साथ पढ़ेंगे तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है

उस एनिमल्स को हम हर एनिमल्स कहते हैं प्लांट्स के अलावा कुछ भी नहीं खाते हैं। बोले तो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश वो नहीं खाते हैं तो ओनली प्लांट जो एनिमल जो ओनली प्लांट खाते हैं उस एनिमल्स को हम हर ओरस एनिमल्स कहते हैं तो उसके एग्जाम्पल जो है वो कौन से है काउज हॉर्सेस गोड्स एलिफेंट्स जेब्राज, जीराफ्स राइनासोर्स एंड पैंडा ये जो एनिमल्स है ओनली क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं ओनली डिपेंड ऑन ग्रास फॉर देयर फूड एंड ये जो पैंडा नाम का जो एनिमल्स है वो क्या खाता है एक बाम्बू नाम का प्लांट है वो सिर्फ क्या खाता है बाबू बांबू प्लांट ईट करता है सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज़ द कार्निवरस एनिमल्स एंड गिवज़ इट्स एग्जाम्पल्स तो कार्निवरस एनिमल्स मीन्स क्या और उसके जो एग्जाम्पल्स है वो कौन कौन से है तो so, उसका आंसर है सम एनिमल्स आर ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स जो एनिमल्स है जो कि अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं उस एनिमल्स को दे एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निरोस एनिमल्स तो उस एनिमल्स को हम क्या कहते हैं कार्निरोस एनिमल्स कहते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं दूसरे एनिमल्स का फ्लैश या मीट खाते हैं उस एनिमल्स को हम कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं तो उसका एग्जाम्पल टाइगर लॉयंस, वुल्स, लेपर्ड्स स्नैक आपने देखा है टाइगर लॉयन ये जो है क्या करते हैं शिकार करके दूसरे एनिमल्स का शिकार करके उसका मीट या फ्लैश खाते हैं ऐसे एनिमल्स को हम कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं नेक्स्ट वॉट इज़ द ओमनियोरस एनिमल्स एंड गिवज इट्स एग्जाम्पल तो कार्निवोरस एनिमल्स मीन्स क्या और उसके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो कौन से हैं तो कार्निवोरस एग्जे एग्जाम एक्द, कार्नि एनिमल्स की ये जो आंसर है वो क्या है सम एनिमल्स आर ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो ग्रास खाते हैं या प्लांट खाते हैं एज वेल एज दूसरे एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं जो एनिमल्स दोनों भी खाते हैं प्लांट एज वेल एज फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स खाते हैं उस एनिमल्स को हम ओमन्यूरस एनिमल्स कहते हैं सच एनिमल्स आर कॉल्ड ओमन्यूरस एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल बियर्स जो असवल रहता है कैट्स डॉग्स क्रोथ्स एंड ह्यूमन बींग्स ये जो कैट्स डॉग्स आपने देखा है कैट डॉग ये क्या करते हैं कैट दूध पीता है रोटी खाता है और उसके साथ माइस या रैट भी पकड़ के खाता है उसके साथ ह्यूमन बींग्स ये जो प्लांट्स से बना हुआ फूड भी खाते हैं, जैसे कि भाजी चपाती रोटी सब्जी ये जो रहते हैं ये भी खाते हैं उसके साथ साथ चिकन या मीट भी क्या करते हैं ईट करते हैं और ह्यूमन बींग्स को भी ओमन्यूरस एनिमल्स में क्या किया है समावेश किया गया है सो so, ये हो गए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज़ अ फूड चेन तो फूड चेन किसे कहते हैं एंड गिव वन एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन तो फूड चेन किसे कहते हैं अन्न साखड़ी अन्न श्रृंखला किसे कहते हैं और उसका एग्जाम्पल आपको देखना है सो द एनिमल्स आर डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड दिस चेन इज़ कॉल्ड फूड चेन जो एनिमल्स अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड के ऊपर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं और ये जो चेन बनी है उस चेन को हम क्या कहते हैं फूड चेन कहते हैं जैसे कि प्लांट है जो प्लांट है ये प्लांट क्या है उसे प्रोड्यूसर कहा गया है क्योंकि ये जो प्लांट रहता है ये क्या करता है अपना खाना खुद बनाता है और प्लांट के ऊपर इंसेक्ट्स डिपेंड रहते हैं इंसेक्ट क्या कर क्या खाते हैं प्लांट्स के ऊपर जो उसका जो फूड रहता है वो खाते हैं और इंसेक्ट्स को कौन खाता है फ्रॉग खाता है और फ्रॉग को स्नैक और स्नैक को हॉक ये ऐसी जो चेन बनी है एक के ऊपर डिपेंड इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो अपने फूड के लिए एक के ऊपर एक जो डिपेंड रहती है ये जो ऐसी चेन बनती है उस चेन को हम फूड चेन कहते हैं नेक्स्ट है वॉट इज मिंट बाय चीविंग द कड चीविंग द कड मीन्स क्या सो आंसर एनीमल्स डैट काउज एंड बफेलोज स्वेलो इट्स फूड विदाउट चीविंग इट जो काउज रहते हैं बफेलोज रहते हैं वो क्या करते हैं दिन भर ग्रास खाते हैं और वो जैसे कि वैसे स्वैलो करते हैं विदाउट चीविंग उसको चूव नहीं करते हैं जैसे कि वैसे स्वैलो करते हैं so after some times it brings back this unchewed food into its mouth and chews it properly with its back teeth so तो रात को हम दिन भर वो क्या करते हैं ग्रास खाते हैं और रात को क्या करते हैं जो अनचूर फूड क्या करते हैं वापस बैक लाते हैं अपने टित में अपने माउथ में बैक लाते हैं और उसको अपने माउथ से क्या कहते हैं प्रॉपरली उसको च्यू करके बैठते हैं और दिस इज अल्सो नोन एज चीविंग द कड़ और उसे ही क्या कहते हैं चीविंग द कड़ कहते हैं नेक्स्ट है वाई डू ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड जो एनिमल्स रहते हैं वो एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड क्यों रहते हैं सभी जो प्लांट्स रहते सभी एनिमल्स रहते हैं वो प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड क्यों रहते हैं सो बिकॉज प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स तो जो plants ये जो प्लांट्स रहते हैं ये प्रोड्यूसर्स है ये अपना जो फूड है दे मेक फूड फॉर ओन ये जो अपना फूड है वो खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो क्या करते हैं खुद बनाते हैं ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोले तो जो सनलाइट एयर और वाटर उसके हेल्प से क्या करते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं इसलिए उसको प्रोड्यूसर कहा गया है और इसलिए सो एनिमल्स आर डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड और इसीलिए सभी जो प्लांट्स रहते हैं वो एनिमल्स जो रहते हैं एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं वो प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं नेक्स्ट है हाउ टू केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स जो डोमेस्टिक एनिमल्स रहते हैं उसके केयर हमें कैसे करना चाहिए तो वी शुड तो डोमेस्टिक फर्स्टली हम देखेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स किसे कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स मीन्स जो घर में पाले पालतू जो प्राणी रहते हैं या एनिमल्स रहते हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है जैसे कि काऊ, बफेलो कैमल हॉर्स है ना ये जो एनिमल्स है डॉग्स ये उसे इस एनिमल्स को हम क्या कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं तो ये जो काऊ है डॉग है बफेलोज़ है हॉर्सेस है, हौसे है तो काऊ से हमें काऊ और बफिलों से मिल कर मिलता है और शिप से हमें वुल मिलता है हॉर्सेस एलिफेंट्स कैमल ये जो एनिमल्स है ये कैरी लोड करने में हेल्प करते हैं है ना ऐसे एनिमल्स की हमें डोमेस्टिक ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स है उस एनिमल्स के हमें टेक केयर कैसे करना चाहिए सो so, देखो वी शुड़ गिव देम proper and wholesome food to eat and clean water to drink. तो हमें क्या करना चाहिए Animals को wholesome food देना चाहिए जो पौष्टिक है और clean water drink करने के लिए उनको देना चाहिए है ना Animals को क्या करना है wholesome food देना है और clean water हर रोज उनको देना चाहिए नेक्स्ट है वी शुड कीप देम इन वेल मेंटेन्ड शेल्टर तो रहने के लिए उनको क्या करना चाहिए एक अच्छा निवास स्थान उनको भी रहना चाहिए उसको घर रहना चाहिए निवारा शेल्टर शेल्टर बोल तो निवास स्थान या निवारा तो ठंड से रेन से या हीट से बचने के लिए जैसे ह्यूमंस को मैन को क्या है हाउस की ज़रूरत रहती है या शेल्टर की ज़रूरत रहती है वैसे एनिमल्स को भी शेल्टर की जरूरत रहती है उनको भी एक अच्छा वेल मेंटेन्ड शेल्टर बनाना चाहिए वी मस्ट कीप देम क्लीन बाय गिविंग देम बाथ और वॉश रेगुलरली जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको भी क्या करना है हर रोज़ वॉश करना है वाटर से वॉश करना चाहिए इफ़ दे फॉल सिक एनिमल्स को भी क्या होती है बीमारी आती है कभी कभी बीमार पड़ते हैं तो उनको क्या करना चाहिए वी शुड टेक देम टू द वेटरनरी हॉस्पिटल टू ट्रीटमेंट तो उनको भी क्या करना है वेटरनरी हॉस्पिटल में जो डोमेस्टिक एनिमल्स का भी हॉस्पिटल रहता है हॉस्पिटल में लेके जाके उनका इलाज करना चाहिए वी शुड बी काइंड टू दे तो ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके ऊपर दया भी दिखाना चाहिए है ना तो ये कुछ क्वेश्चंस थे वो हम क्वेश्चंस के आंसर देखे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू फॉलोइंग हमें टू टू नेम लिखना है जो एनिमल्स के जो ग्रुप्स रहते हैं उस ग्रुप्स में के दो नेम्स आपको लिखना है एनिमल्स दैट टीयर एंड च्यू द फ्लैश ऐसे एनिमल्स जो अपना फूड टीयर करते है, फाड़ते हैं और च्यू कर च्यू करके खाते हैं। तो कौन से हैं टाइगर लॉयन टाइगर और लॉयन ये जो एनिमल्स रहते हैं ये एनिमल्स क्या करते हैं अपने शिकारिया अदर एनिमल्स को क्या करते हैं? पकड़ते हैं कैच करते हैं उसको चीरते हैं और उसके बाद उसका जो फ्लेश रहते हैं चू करके खाते हैं। कौन से एनिमल्स टाइगर्स एंड लॉयंस तो नेक्स्ट है एनिमल्स दैट ईट ग्रास एंड च्यू द कड़ तो जो एनिमल्स ग्रास खा के बाद में द कड़ करते हैं ऐसे कौन से एनिमल्स है द कड़ बोलते उसको मराठी में रवंथ करना ऐसे बोलते हैं तो जो काउज और बफेलोज ये जो एनिमल्स रहते हैं वो दिन भर ग्रास खाते हैं और रात को वो अंचूड़ फूड जो रहता है वो बैग लाके उसका चि दो गोड़ करते हैं नेक्स्ट है एनिमल्स दैट गो गो मीन्स कुतर कुतर के खाना कौन से एनिमल्स कुतर कुतर के खाते हैं? तो रैबिट्स एंड स्क्वेरल ये जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं अपना फूड कुतर कुतर के खाते हैं उनके जो टीथ रहते हैं, फ्रंट टीथ जो रहते हैं बहुत ही शार्प रहते हैं उस टीथ से वो क्या करते हैं कुछ भी जो भी उनका फूड है वो क्या करते हैं आसानी से ईट करते हैं नेक्स्ट है एनिमल्स दैट लैप अप लैप अप मिल्क एंड वाटर लैप अप बोले तो अपनी जो जीभ टंग रहती है वो हिलाकर अपना फूड ग्रहण करते हैं वो कौन से एनिमल्स है कैट एंड डॉग ये जो कैट एंड डॉग हमारे घर में भी रहते हैं तो उनको मिल्क या वाटर पीते समय आपने देखा होगा तो ये जो एनिमल्स है अपने टंग को हिला के लैप करके वो क्या करते हैं मिल्क या वाटर पीते हैं ड्रिंक करते हैं नेक्स्ट है एनिमल्स दैट स्वेलो देयर फूड होल स्वेलो मीन्स जैसे कि वैसे निगलना तो ये जो एनिमल्स है कौन से एनिमल्स है जो अपना फूड जैसे के वैसे स्वेलो करते हैं विदाउट चीविंग स्वेलो करते हैं स्नेक है फ्रॉग है लेजर है ये जो एनिमल्स है ये अपना जो फूड है वो क्या करते हैं स्वेलो करते हैं विदाउट चीविंग स्वेलो करते हैं उनको चीविंग करने के लिए टिथ फ्रंट टिथ नहीं रहते हैं, या बैक टिथ नहीं रहते हैं इसीलिए वो क्या करते हैं उनको एक स्टिकी टंग रहती है उस टंग के हेल्प से अपना फूड क्या करते हैं कैच करके जैसे कि वैसे स्वैलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फीलिंग द ब्लैंक्स तो फर्स्ट प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर आल्सो कॉल्ड हर्बियोस एनिमल्स तो जो प्लांट खाने वाले एनिमल्स है उसे क्या कहते हैं हर्बियोरस एनिमल्स कहते हैं फ्लैंड सेकेंड नंबर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर आल्सो कॉल्ड जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स रहते हैं उस एनिमल्स को क्या कहते हैं कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं है। मैन बियर क्रोव आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनिओरस एनिमल्स जो मैन है बियर है क्रू है ये क्या करते हैं प्लांट्स एज वेल एज फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स दूसरे एनिमल्स का मांस भी खाते हैं या फ्लेश खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं ऐसे एनिमल्स को हम ओमन्योरस एनिमल्स कहते हैं और मैन बियर क्रो ये क्या है एग्जाम्पल्स ऑफ ओमन्योरस एनिमल्स और बटरफ्लाई सक्स द नेक्टर ऑफ़ फ्लावर्स जो बटरफ्लाई रहता है बटरफ्लाई को एक लॉन्ग ट्यूब रहती है उस लॉन्ग ट्यूब के हेल्प से वो क्या करता है उनका जो माउथ रहता है उनको एक लॉन्ग ट्यूब रहती है लॉन्ग ट्यूब के हेल्प से वो क्या करते हैं जो फ्लावर्स रहते हैं फ्लावर्स में का जो नेक्टर रहता है वो सक करते हैं सक बोले तो वो चूसते हैं उसमें का जो भी जूस रहता है वो क्या करते हैं चूस के लेते हैं सो स्नैक्स स्वैलो देअर फूड एज अ होल जो स्नैक रहते हैं वो क्या करते हैं उनका जो फूड रहता है जैसे कि वैसे स्वैलो कहते हैं स्वेलो मीन्स उनको विदाउट चिविंग निगलना नेक्स्ट एंड एलिफंट यूजेस इट्स ट्रंक टू अप्रूट ग्रास एंड टीयर ऑफ ब्रेंचेस फ्रॉम ट्रीज जो एलिफेंट रहता है एलिफेंट क्या करता है अपने ट्रंक से सोंड सून, से वो क्या करता है जो ग्रास के जो अपरूट्स रहते रूट्स रहते ऊपर के जो रूट्स रहते हैं वो क्या करते हैं उनको खाते हैं और जो झाड़ के जो ब्रांचेस रहते हैं ट्रीज़ के ब्रांचेस रहते हैं उसको टीयर करके वो अपना फूड ईट करता है नेक्स्ट ह्यूमस इज द सॉइल विथ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इट तो ह्यूमस किसे कहते हैं ह्यूमस बोले तो एक काले भूरे रंग की एक मिट्टी जो डेड एनिमल्स एनीमल्स जब डेड होते हैं या प्लेट प्लांट्स जब डेड होते हैं तब उस जगह पर क्या होता है एक भूरे कलर की काले रंग की एक मिट्टी तैयार हो जाती है उस मिट्टी को हम ह्यूमस कहते हैं नेक्स्ट है राइट टी फॉर ट्रू और यफ फॉर फॉल्स तो जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके आगे आपको टी लिखना है और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके आगे आपको यफ लिखना है तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कार्निवोरस ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कार्निवोरस एनिमल्स है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं तो कार्निवोरस एनिमल्स में कौन से एनिमल्स आते हैं जैसे कि टाइगर लॉयन वुल्स ये जो एनिमल्स है वो क्या फ्रूट्स खाते हैं क्या वेजिटेबल्स खाते हैं क्या नहीं खाते हैं वो तो क्या खाते है? फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स खाते है इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है इसीलिए उसको यफ लिख सकते है सेकेंड द टाइगर इज़ अ कार्नी ये जो टाइगर है कार्नि है है सही स्टेटमेंट है क्योंकि कार्निर्स दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते है फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स टाइगर तो ए स्टेटमेंट ट्रू है इसलिए उसके आगे टी लिखना है नेक्स्ट है द रैबिट इज अ अर्ब्योर जो रैबिट है वो हरब्योर हरब्योरस एनिमल्स बोलते जो ओनली प्लांट खाते हैं तो रैबिट भी क्या करता है ओनली प्लांट्स खाता है इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है नेक्स्ट एनिमल्स मेक देयर ओन फूड तो एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं प्लांट ओनली प्लांट्स ही अपना खाना खुद बनाता है वो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाता है तो ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है इसीलिए उसको उसके आगे यफ लिखना है अ बीयर इज अ हरब्योर जो बियर है वो हरब्योर है क्या वो प्लांट खाता बियर जो असवल जो रहता है वो प्लांट खाता है क्या नहीं जो प्लांट खाता है उसको हरब्य कहते हैं तो ये बीर क्या खाते हैं प्लांट भी खाते हैं और एज वेल एज अदर एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं तो ये जो स्टेटमेंट है फ़ॉल्स है इसके आगे ये अफ लिखना है तो नेक्स्ट है बर्ड्स हैव बिग टू ईट विथ तो बर्ड्स जो अपना खाना खाते हैं किसके हेल्प से खाते हैं उनको एक बिक रहती है चोंच रहती है उस चोंच के हेल्प से अपना वो फूड खाते हैं वो ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसके आगे टी लिखना है नेक्स्ट है मॉस्किटोज मॉस्किटोज बर्ग्स एंड लीचेस सक ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स तो ये जो मॉस्किटोज रहते हैं बग्स रहते हैं लीचेस रहते हैं उनको क्या रहते है एक ट्यूब रहती है उस ट्यूब के द्वारा वो अपने बॉडी में उस ट्यूब को डाल के क्या करते हैं अपने बॉडी में का जो ब्लड है वो शक करते हैं चूसते हैं और अपना फूड ग्रहण करते हैं तो ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है इसीलिए उसके आगे भी टी लिखना है हमने इधर नहीं लिखा है तो आपको क्या करना है उसके आगे ट्रू टी लिखना है सो so, स्टूडेंट ये जो हमारा लेसन है हमने क्वेश्चन आंसर के स्वरूप में उसको देखा है उससे पहले हमने डिटेल्स में देखे थे तो आज हमने उसको क्वेश्चन आंसर फीलिंग द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स नेम टू द फॉलोविंग्स इसके आंसर के साथ हमने देखा है तो आपको भी क्या करना है उसको अच्छे से भाट करना है और जो हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम है उसमें इस उसमें इस चैप्टर में के कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये क्या करना है सभी क्वेश्चंस बाहर करना है सो थैंक यू